Hello student, this is Hina ma'am and today we are going to discuss our chapter number 9 of business, that is internal trade. So internal trade, in this we are going to discuss about its types, its other form of trade like wholesale trade, retail trade, its mainly effect on our different departments, supermarkets, mall, chain stores. So these are the mainly highlighted points that we are going to discuss. So let's start with our topic. So firstly beta baat aati hai abhi internal trade ke bare mein. Internal trade means the buying and selling of goods and services within the boundaries of a country. That means within the countries aap jitni bhi ek desh ke andar hi ek state se dusre state ke andar jitni bhi purchasing selling activities hoti hai na, तो वे सभी एक्टिविटीज हम कंसिडर करते हैं बेटा इंटरनल ट्रेड में. विद इन द बाउंड्रीज टेरिटरी, आपको ये बात बहुत हमेशा हाईलाइटेड है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको कंसिडर रखना है कि इसको हम अपना डोमेस्टिक ट्रेड भी बोल सकते हैं, होम ट्रेड भी और इंटरनल ट्रेड भी. सो इंटरनल ट्रेड वर्क्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री. ये जो इंटरनल ट्रेड है हमारी देश की जो बाउंड्रीज के अंदर अंदर ही पूरी ट्रेडिंग एक्टिविटीज कंसिडर की जाती है. अगेन बाउंड्रीज कंसिडर की जाती है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स. फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स मीन्स कोई भी किसी भी जगह पे आपको सामान ले जाना है, खरीदना है, बेचना है. सो आपकी खुद की जो कंट्री है उसके अंदर आप कहीं पे भी एक स्टेट से दूसरी जगह ले जा सकते हो, कोई भी किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी. डीलिंग इन लोकल करेंसी, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने करेंसी फिक्स कर रखी है, आइदर इन कॉइन फॉर्म, पेपर करेंसी और इन प्लास्टिक करेंसी. सो पेपर कॉइन फॉर्म तो आपको मालूम ही है, जो हमारे सिक्के होते हैं, ठीक है. पेपर करेंसी भी जो भी हमारे नोट्स की फॉर्म में होते हैं, जबकि प्लास्टिक करेंसी भी, प्लास्टिक करेंसी मीन्स जो भी आपके डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स हैं, ठीक है. सो ये सारी नेशनल करेंसी के अंदर जो भी आपकी डीलिंग होती है, सो वो आप इंटरनल ट्रेड के अंदर इजीली कर सकते हैं. स्पेशल एक्ट ऑफ सेटल्स डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी भी तरह से बिजनेस डीलिंग में प्रॉब्लम आती है, तो उस डीलिंग प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए भी हमारे स्पेशल एक्ट्स बनाए गए हैं. उन स्पेशल एक्ट के बेसिस पर ही सारी डीलिंग, परचेजिंग, सेलिंग एक्टिविटीज जो है वो हैपन होती है. सो अब अगर आप बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड की, ठीक है. सो इंटरनल ट्रेड के जो हमारे टाइप्स हैं वे मेनली डिस्कस किए हैं इन तीन टाइप से. ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी. सो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेड. तो डायरेक्ट ट्रेड तो क्या होता है बेटा, जब आप डायरेक्टली विदाउट एनी मीडिएटर, बिना किसी मीडिएटर की हेल्प से आप क्या करते हैं, डायरेक्टली जो परचेजिंग सेलिंग एक्टिविटीज है ना उसको करते हैं, ठीक है. नॉर्मल आपका जो डायरेक्ट ट्रेड होता है उसके अंदर जो आपका रिलेशनशिप चलता है वो कैसे होता है बेटा, सबसे पहले तो प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है बेटा, प्रोड्यूसर मीन्स वो फैक्ट्री, ठीक है. सो फैक्ट्री के अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले जो है वो प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है. सो प्रोडक्शन करेंगे जहाँ पे मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट को जो है बनाएगा, ठीक है. सो आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, दैट मीन्स जहाँ पर वो क्या हो रहा है बेटा, वो कोई भी पर्टिकुलर वस्तु है, चीज़ है, वो क्या हो रही है, बन रही है, प्रोडक्शन हो रहा है. देन आता है होलसेलर. होलसेलर क्या करेगा, लार्ज क्वांटिटी के अंदर उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा, ठीक है. सो होलसेलर. होलसेलर के बाद आती है बारी बेटा रिटेलर. रिटेलर मीन्स जो उस प्रोडक्ट को एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर खरीदेगा, जिसको आप शॉपकीपर भी कंसिडर कर सकते हैं बेटा, ठीक है. सो इसके बाद अब हमारा क्या जाता है, इसके बाद अब हमारा फाइनल कंज्यूमर, जो क्या करेगा, डायरेक्टली अपने रिटेलर के पास, दुकानदार के पास जाएगा और उससे जो है अपना सामान खरीदेगा. सो वो चीज़ हमारी जो है कंज्यूमर के अंदर कंसिडर की जाती है.
इसके बाद अगर हम बात चलते हैं बेटा डायरेक्ट ट्रेड की, हम अभी बात कर रहे थे चेन की, जिसमें पहले फैक्ट्री का जो ओनर होता है वो पहले प्रोडक्शन करता है, फिर होलसेलर के पास भेजता है, देन रिटेलर पे, और एट लास्ट कंज्यूमर पे। लेकिन आपका डायरेक्ट ट्रेड के अंदर क्या होता है बेटा? डायरेक्ट ट्रेड के अंदर आप डायरेक्टली आप उस चीज़ को क्या करेंगे, आप उस चीज़ को डायरेक्टली अपने कस्टमर को सोल्ड आउट करते हैं, ठीक है। सो जैसे कस्टमर को सोल्ड आउट करने का मतलब ये है, जो बीच में चेन है हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली फैक्ट्री में सामान बनता है और फैक्ट्री में सामान बनकर कस्टमर के पास पहुँचता है। सो इस ट्रेड के क्या फ़ायदे होते हैं बेटा? नो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ गुड्स, कोई भी गुड्स की मीडिएटर एजेंट वगैरह कोई भी बीच में नहीं होते ना, तो आपके पास सबसे पहली बात ये कि गुड्स की कमी नहीं आती। जो भी ओरिजिनल रिसिप्ट जो फैक्ट्री के अंदर गुड्स बना होता है वही क्या होता है कंज्यूमर के पास पहुंचेगा, तो ओरिजिनल गुड्स जो है कस्टमर के पास पहुंचता है, डबल प्रॉफिट होता है बेटा। प्रोड्यूसर को तो नॉर्मल प्रॉफिट होना ही था, लेकिन कंज्यूमर को डबल प्रॉफिट इसलिए होता है क्योंकि उसके पास वो जो प्रोडक्ट आया है उसमें क्या है बेटा, जो टैक्स है या जो मीडिएटर अपना प्रॉफिट चार्ज करने वाले थे वो प्रॉफिट इसके अंदर चार्ज नहीं होता। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइजेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को प्राइस बहुत लोअर प्राइस में मिल जाते हैं, साथ ही साथ बेनिफिट ऑफ कैश सेल टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को भी क्योंकि वो कैश सेल करेगा, दैट मीन्स उसके पास डायरेक्टली कैश आ जाएगा, तो कैश सेल से उसके पास जो है डायरेक्टली अमाउंट आ जाएगी। अब आता है बेटा इनडायरेक्ट ट्रेड। इनडायरेक्ट ट्रेड वही होता है जिसके अंदर हमें जो ये पर्टिकुलर प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो पूरा फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बेटा थ्रू होलसेलर। होलसेलर के थ्रू अगर आप बात करते हैं, मतलब सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, कोई भी प्रोडक्शन होता है, फिर वो होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से फिर वो रिटेलर के पास यानी कि शॉपकीपर दुकानदार के पास जाता है, एंड देन वो फाइनल कंज्यूमर के पास जाता है। अब इसके अंदर जो बात की थी बेटा होलसेलर, दैट मीन्स जो मेन रोल प्ले किया गया है वो होलसेलर का है। थर्ड पे रिटेलर, रिटेलर को कहाँ से मिलता है बेटा? अगर रिटेलर डायरेक्ट फैक्ट्री से क्या करे, सामान को परचेज कर ले। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, सपोज आप चाहते आप अपनी एक दुकान खोलना चाह रहे हैं और उस दुकान के लिए आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट अपना जो सामान खरीद रहे हैं वो फैक्ट्री से खरीद रहे हैं, ठीक है। सो यानी कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से अगर आपके पास कोई भी सामान पहुँचता है, ठीक है, और वो आप क्या करते हैं फिर अपने कस्टमर को सोल्ड आउट करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये भी हमारी इनडायरेक्ट ट्रेड में ही आएगी क्योंकि कंज्यूमर को डायरेक्टली नहीं मिल रही है, कंज्यूमर को रिटेलर के थ्रू ही मिल रही है बेटा, ठीक है। एजेंट्स के थ्रू अगर बात करते हैं बेटा, एजेंट मतलब मीडिएटर, मीडिएटर मीन्स जो व्यक्ति जिनसे सामान जो है मिलना था, सो जिनसे सामान मिलना था उनसे क्या हो रहा है, एजेंट की मीडिएटर्स की वजह से मिल रहा है। और अगर मीडिएटर अगर जब भी आ जाते हैं तो वो अपनी कुछ ना कुछ ब्रोकर या कमीशन हमेशा चार्ज करेंगे ही करेंगे, और यही कमीशन हमारी जो है इसके अंदर कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, अगेन एजेंट में जैसे हमने बात किया ही था जो कमीशन चार्ज करते हैं, अगर आप लेवल के लेवल पर डिवाइड कर रहे हैं अपने इंटरनल ट्रेड को, सो एक तो होता है बेटा लोकल लेवल। लोकल लेवल का मतलब है जो भी आपका नॉर्मल नॉर्मल लोकेलिटी के अंदर अवेलेबल है बेटा, जैसे कि आप डेली बेसिस पे फ्रूट्स भी, मिल्क, स्वीट्स, ये सब चीज़ें खरीदते हैं। सो ये आप ट्रेडिंग किस कैसे करते हैं, ये आप लोकल लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं। जबकि स्टेट लेवल का होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप क्या कर रहे हैं, अपने सामान को पहुंचा रहे हैं, जैसे कि कोई भी दाल है, बर्तन है, ग्रेन्स हैं, सो इस तरह की चीज़ें पहुंचाते हैं। जबकि नेशनल लेवल ट्रेड क्या होता है बेटा, नेशनल लेवल पर हम क्या करते हैं, अपने सामान को पहुंचाते हैं, दैट मीन्स एक स्टेट कई स्टेट्स को, काफ़ी स्टेट्स को क्या करती है, अपना सामान पहुँचाती है। सो इस तरह की जो ये हमारी स्टेट्स होती है ना, तो ये हमारी नेशनल लेवल ट्रेड। स्टेट लेवल का मतलब होता है केवल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो भी लेन देन या खरीदना बेचने की परचेजिंग सेलिंग एक्टिविटीज होती है वे। अगर आप क्वांटिटी के बेसिस पे बात करते हैं बेटा, तो हमारी दो ट्रेडिंग जो मीडिएटर हैं होते हैं, एक तो होता है होलसेलर और एक होता है रिटेलर। होलसेलर क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी के अंदर उस प्रोडक्ट को खरीदता है और फिर स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को सोल्ड आउट करता है।
ठीक है, रिटेलर क्या करता है बेटा, अलग अलग तरह के गुड्स खरीदता है ना होलसेलर से। सो ये क्या करेगा, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है खरीदेगा और फिर वो अपने कस्टमर्स को जो है सोल्ड आउट करेगा। मेन डॉक्यूमेंट जो हमारे इंटरनल ट्रेड में यूज होती है बेटा, एक तो है इनवॉइस। इनवॉइस मीन्स जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हुई है परचेजिंग सेलिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड, सो वो गुड्स परचेज कैसे हो रहा है, इनवॉइस। इनवॉइस मीन्स अगर आप जो डीलिंग कर रहे हैं परचेजिंग सेलिंग की, अगर वो क्रेडिट पर हो रही है, क्रेडिट मीन्स उधार पे हो रही है, सो उस उधार की, उस क्रेडिट की जो आपकी ट्रांजेक्शन है, परचेजिंग सेलिंग एक्टिविटी है, सो उस एक्टिविटी पर आपको क्या करना पड़ेगा, सेलर का नेम, एड्रेस, जो भी हमारी क्वांटिटी है, क्वालिटी रेट, सभी चीज़ें जो है डिस्क्राइब करनी पड़ेंगी, ठीक है। और इसी डिस्क्रिप्शन को ही जिस पेपर पर किया जाता है ना, उसी को ही बोला जाता है बेटा बिल या फिर मेमो। सो ये सोर्स डॉक्यूमेंट, जैसे कि आप ये चीज अकाउंट्स में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे, इट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। परचेज बुक हमारी सोर्स डॉक्यूमेंट होती है बेटा। अगर आप परफॉर्मा इनवॉइस की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर गुड्स से रिलेटेड जो डिटेल होती है ना, वो इसके अंदर डिफाइन की जाती है बेटा। गुड्स से रिलेटेड डिटेल का मतलब क्या होता है, गुड्स जो है आपका कौन सी क्वालिटी का है, कौन सी कंपनी का है, ठीक है, इस तरह की जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके परफॉर्मा इनवॉइस में दिखाई जाएगी। अगर आप बेटा बात करते हैं डेबिट नोट की, सो डेबिट नोट क्या होता है, लेटर या फिर नोट विच इज सेंड बाय द बायर टू द सेलर, जो कि क्या किया जाता है, बायर से सेलर को, यानी कि खरीदने वाले से बेच, जैसे कि बायर कस्टमर से दुकानदार को क्या किया जाता है बेटा, भेजा जाता है। सो ये क्या डिफाइन करता है बेटा, इसके अंदर आपका जो है मेनली यही डिस्क्राइब होता है, क्या टू कॉपीज ऑफ, मेनली आपकी डेबिट नोट की दो कॉपी प्रिपेयर होती हैं, एक तो सेलर को सेंड कर दी जाती है और एक जो है अपने पास ही रख ली जाती है फॉर रेफरेंस के लिए। होता क्या है बेटा, मेनली डेबिट नोट अगर आप समझेंगे, सो ये सिंपल सा एक नोट है जिसके अंदर आपके गुड्स की जो अमाउंट है, जो आपका गुड्स रिटर्न किया गया है, उसको डिफाइन किया जाता है बेटा, यानी कि कितना जो गुड्स है वो आप क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। क्रेडिट नोट के अंदर भी यही है बेटा, कि क्रेडिट नोट के अंदर ये गुड्स जो वापस किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, सेलर टू बायर, यानी कि दुकानदार से कस्टमर के द्वारा, ठीक है। सो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा गुड्स रिटर्न जो है क्रेडिट नोट के अंदर मेंशन होता है, जिसको आप ऑलरेडी अकाउंट्स के जो सब्सिडरी बुक का चैप्टर है उसमें अच्छे से रीड आउट कर चुके हैं। लोरी रिसिप्ट होता है बेटा, जिसके अंदर क्या है कि जो भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो आप सेंड कर रहे हैं गुड्स, सो वो ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट आपकी जो है इसमें कंसिडर होती है, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट के खर्चे होते हैं वो उसके अंदर डिस्क्राइब होते हैं। रेलवे रिसिप्ट, अगर आप अपना जो माल गाड़ी है जो रेल के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके थ्रू अगर आपका जो बैलेंस है वो सेंड किया जाता है। अगर आप ट्रेड के टर्म्स की बात करते हैं बेटा, तो कैश ऑन डिलीवरी, आपने यानी कि सामान आया आपके पास और आपने जस्ट डायरेक्ट उसकी जो है पेमेंट कर दी। फ्री ऑन बोर्ड या फिर फ्री ऑन रेल, सो इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर सेलर और बायर के बीच में है ना पहले से ही एडजस्टमेंट कर ली जाती है, कि जो भी रेल के जो एक्सपेंसेस हैं, जो अमाउंट है जो पे की जाएगी, सो वो आपकी जो है किस तरीके से, किसकी थ्रू की जाएगी, वो एजेंट के थ्रू की जाएगी या डायरेक्टली पेमेंट होगी, सो वो हमारे फ्री ऑन रेल या फ्री ऑन बोर्ड पर फिक्स की जाती है। अगर आप पोस्ट इंश्योरेंस या फ्रेट की बात करते हैं बेटा, सो इसमें जो ट्रेड ट्रांजेक्शन है वो इंक्लूड करती है गुड्स की कोस्ट पे, और जो भी आपका इंश्योरेंस फ्रेट चार्जेस वगैरह पेबल हो रहे हैं उस पे, दैट मीन्स जो भी आपका गुड्स के ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी लग रहे हैं, आपकी पॉकेट से जो एक्स्ट्रा कैश लग रहा है, सो वो सारा पॉकेट आपका जो है ट्रेड ट्रांजेक्शन्स में कंसिडर किया जाता है। साथ ही साथ एरर एंड ओमिशन एक्सेप्टेड, सो एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन का मतलब ही क्या होता है, भूलना। सो इसका मतलब कई बार आपसे मिस्टेक हो जाती है, जब आप भूल जाते हैं कोई भी अमाउंट चार्ज करना, सो वो जो अमाउंट है वो इनवॉइस, कैश, कोटेशंस के अंदर ही, इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही हम अपना डिफाइन करते हैं। अब बात आती है बेटा होलसेल की।
होलसेल का मतलब ही अगेन जैसे कि हमने पढ़ा था लार्ज क्वांटिटी के अंदर कोई भी प्रोड्यूसर क्या करता है जो है सामान खरीद लेता है, ठीक है। इट रेफर्स टू द ट्रेड इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर बोट इन बल्क एंड सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी में सामान जो है उसने क्या कर लिया है, खरीद लिया है और फिर इसको क्या करता है, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो है अपने रिटेलर को सोल्ड कर देता है। तो इस तरह की जो ये ट्रेडिंग होती है ये हमारी होलसेलर में कंसिडर की जाती है बेटा। सारे जो मर्चेंट्स हैं, एजेंट्स हैं, जितने भी एक हाथ से दे और दूसरे हाथ ले, एक तरह का ये हमारी ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन होती है बेटा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिटेल ट्रेड की, सो रिटेल ट्रेड का मतलब होता है जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज जो है लार्ज क्वांटिटी के अंदर एक लार्ज क्वांटिटी से लेकर स्मॉल क्वांटिटी में खरीदी जाती है। होलसेलर से स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, सामान खरीद लेता है और ये कंसिस्ट करते हैं दोज एक्टिविटीज जो डायरेक्टली हमारे अल्टीमेट कंज्यूमर से जो है रिलेट करती है। अगर आप टाइप्स के बात कर रहे हैं बेटा, सो हमारे दो तरह के रिटेलर्स के टाइप्स हैं। वन इज इंटिनरेंट रिटेलर एंड सेकेंड इज फिक्स्ड शॉप। सो इंटरनेट रिटेलर को भी हमने क्या किया है, अगेन जिसके अंदर हमारे हॉकर्स, पेडलर्स, स्ट्रीट चेक्स, पेवमेंट या वीकली मार्केट, ये आप नॉर्मली अपने घर की में के सराउंडिंग में भी चारों तरफ देखते हैं। जबकि फिक्स शॉप क्या होती है, एक जगह पे फिक्स होती है, चाहे वो स्मॉल लेवल पे हो चाहे लार्ज लेवल पे हो, ठीक है। सो अब अगर हम बात करते हैं बेटा इटिनरेंट रिटेलर की, सो इसके अंदर सबसे पहले आता है बेटा जो भी ये क्या होता है, सब एक बात, अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता है ना, तो उसको सबसे पहले स्मॉल लेवल पे, सबसे छोटे से छोटे लेवल के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। सो इसके अंदर ये इसके अगर फायदे देखते हैं तो क्या होता है बेटा, आपको आसान है बहुत ही अपने व्यापार शुरू करना, क्यों, क्योंकि आपको ना ज़मीन की ज़रूरत होती है ना कोई फिक्स असेट की ज़रूरत होती है, जस्ट रॉ मटेरियल जो आप अपना गुड्स बेचना चाह रहे हैं जस्ट आपको वो गुड्स ही खरीदना होता है। सो आपको एस्टेब्लिशमेंट करना बहुत आसान होता है, थोड़ा ही कैपिटल रिक्वायर होता है, वो पर्सनल कॉन्टैक्ट जो है आप इसके थ्रू कस्टमर में के साथ करा पाते हैं, ठीक है। अगर आप बात करते हैं इसकी जो फोर टाइप्स है, जिसमें हमारा फर्स्ट नंबर है बेटा हॉकर्स एंड पेडलर्स, जो कि आपके घर के जो कि बाजार में, गलियों में, मोहल्लों में ज़्यादातर चक्कर लगाते हैं बेटा, जो जैसे कि चाट भंडार वाले, स्वीट्स, कुल्फी, टॉयज, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वाले जो हैं ज़्यादातर इसके अंदर कंसिडर होते हैं। चीप जैक्स के अंदर बेटा जो लोकल क्या करते हैं कि आपके पास अवेल जो टेम्परेरी शॉप जैसे कि रेडी वाला जो होता है, ठीक है, जो ओपन स्पेस के अंदर क्या करते हैं अपना थोड़े टाइम के लिए जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो क्योंकि नॉर्मल ओपन स्पेस पे करते हैं तो उसके ऊपर वो कोई भी रेंट पे नहीं करते, ठीक है। पेवमेंट ट्रेडर क्या होते हैं बेटा, जिसके अंदर जो सेलर है वे फुटपाथ पे, रोड के साइड में क्या करते हैं अपना जो रॉ मटेरियल जो भी गुड्स है सोल्ड आउट करने के लिए वो वहीं पर अपना रखते हैं और लोगों को इनवाइट करते हैं अपना गुड्स बेचने के लिए, खरीदने के लिए। वीकली मार्केट ट्रेड क्या होता है बेटा, ये मेनली अपने दिल्ली में भी ज़्यादा होता है, जैसे कि बुधवार है तो बुध बाज़ार, शनिवार है तो शनि बाज़ार, रविवार है तो रवि बाज़ार। सो इस तरह के वीकली मार्केट होते हैं बेटा, जिसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर भी आपके जो बिजनेस है वो दुकानें हैं वे लगती हैं। इसी के अलावा इनको ज़्यादातर हाट के नाम से भी जाना जाता है बेटा। फिक्स शॉप की अगर आप बात करते हैं तो ये जो एक जगह पर फिक्स रहती हैं चाहे वो स्मॉल लेवल पे हो या लार्ज लेवल पे। सो स्मॉल लेवल पे अगर आप बात करें, जो भी आपका जनरल स्टोर होता है जहाँ पे आप नॉर्मली ग्रोसरी का सामान खरीदते हैं, ग्रोसरी मीन्स जो भी राशन का सामान खरीदते हैं जैसे टूथपेस्ट, सोप, बटर, स्टेशनरी एंड सो ऑन। सिंगल प्रोडक्ट शॉप क्या होता है, जहाँ पे केवल एक ही प्रोडक्ट आपको मिलता है, जैसे कि चिल्ड्रन गार्मेंट्स है तो वहाँ पे केवल बच्चों के ही कपड़े मिलेंगे, रिलीजियस बुक्स है तो वहाँ पे केवल रिलीजियस बुक्स ही मिलेंगी। सिंगल लाइन स्टोर क्या होता है बेटा, सिंगल लाइन स्टोर जो है
ये एक प्लेस है जहाँ पे चिल्ड्रन गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स जो शॉप है ये क्या होती है ओपन, यानी कि एक तरह की आपकी छोटी सी मार्केट बना दी वहाँ पर। आपको अगर चिल्ड्रन के गारमेंट्स की अगर रिक्वायरमेंट है तो पूरी ही स्ट्रीट के अंदर आपको भी गारमेंट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। सो इसी तरीके से सिंगल लाइन स्टोर होता है बेटा, सिंगल लाइन मतलब एक ही स्टोर, सिंगल प्रोडक्ट स्टोर अवेलेबल होगा। वुडन स्टॉल का मतलब क्या होता है, वुडन स्टॉल मतलब जो भी आपके जो ये लकड़ी के ठेले होते हैं या न्यूज़पेपर, मैगजीन, एंटरटेनमेंट बुक्स, इस तरह के जो ठेले वाले जो एक ही जगह उनकी फिक्स होती है जहाँ पर वे डेली आकर क्या करते हैं अपना सामान बेचते हैं। इन्फीरियर गुड्स शॉप कौन से होते हैं, इन्फीरियर का मतलब होता है लो क्वालिटी के, जो आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हैं, एक तो होता है नॉर्मल और एक इन्फीरियर। सभी इन्फीरियर गुड्स वही होता है जिनकी क्वालिटी भी बहुत कम अच्छी होती है और उनके प्राइसेस भी बहुत कम होते हैं बेटा। सो जिनके प्राइसेस कम होते हैं वे भी इसमें कंसिडर किए जाते हैं। अगर आप लार्ज स्केल रिटेलर की बात कर रहे हैं, लार्ज स्केल का मतलब क्या है, बड़े लेवल पर उन्होंने अपना बिजनेस जो है लगाया हुआ है, सो उसके अंदर फर्स्ट आता है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है बेटा, ये अ बिग स्टोर एंगेज रिटेल ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स अंडर द सेम रूफ, यानी कि एक ही छत के नीचे आपको बहुत सारी क्वालिटी के जो प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी वैरायटी के जो गुड्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। फीचर्स की अगर बात करते हैं, एक ही छत के नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको मिल जाते हैं जो आप मेनली मॉल वगैरह में भी देखते हैं, ठीक है, जो बड़े शहरों में पाए जाते हैं। फ्री सर्विस होती है वहाँ पर जाकर, आप कितनी भी देर घूमो या कितनी भी देर वहाँ के एरिया को देखें, हर एक डिपार्टमेंट का हर अलग मैनेजर होता है, उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। सो एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले बात आती है लोकेशन। इसकी जो लोकेशन होती है वो क्या होती है, मॉडर्न सिटी में, मतलब कोशिश यही रहती है कि पूरी सिटी के बीचों बीच या ज़्यादा लोकल लोग जहाँ पे पॉपुलेशन जहाँ पे होती है वहाँ ज़्यादा इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है। काफ़ी सारी अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, लाइक टेलीफोन की, पोस्ट ऑफिस की, लाइब्रेरी की, कैंटीन की। डेकोरेशन की अगर आप बात करते हैं तो बेटा बहुत ही साफ सुथरा क्लीन एनवायरमेंट होता है और साथ ही साथ स्पेशल अरेंजमेंट भी जो है यहाँ पर किए जाते हैं। इसके बाद आता है बेटा डिपार्टमेंट स्टोर। इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया में भी मुंबई में वाइट वे, लेडलॉ, सहकारी भंडार, सेंचुरी बाजार, अपना बाजार। चेन्नई में अगर आप बात करें तो मिलिट्री डिपार्टमेंट। कोलकाता में कमल आल्या स्टोर लिमिटेड और दिल्ली में सुपर बाजार। अगेन, अब सुपर बाजार मार्केट मीन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड से बनाए बेटा, सुपर और बाजार। सुपर मीन्स बेस्ट और बाजार मीन्स मार्केट, यानी कि बेस्ट ट्रेडिंग प्लेस, ठीक है। सो बेस्ट ट्रेडिंग प्लेस का मतलब क्या है, जहाँ पर आपको सबसे बढ़िया बिजनेस के प्लेसेस, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं अच्छी अवेलेबल होंगी। सो इट इज़ अ लार्जली रिटेलिंग, बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर जो है मेनली होती है, ग्रोसरी गुड्स लो मार्जिन पे, बहुत सारी गुड्स तो होती ही हैं लेकिन साथ ही साथ ये सभी गुड्स जो हैं बहुत चीप प्राइसेस पर अवेलेबल होती हैं। अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट चेन स्टोर की, सो चेन स्टोर क्या होता है बेटा, जिसके अंदर नंबर ऑफ रिटेल शॉप होते हैं एंड अ कॉमन ओनरशिप, और उनके जो उन्होंने जो दुकान खोली है उनके जो ओनरशिप है, जो मालिक है, वो क्या होते हैं एक ही, लाइक एक ही आप ले सकते हैं कि बाटा की कंपनी है, वो दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है उसकी शॉप, ठीक है, एक ही कंपनी की काफ़ी सारी शॉप स्टोर हो जाना, ठीक है। तो इस तरह की जो ये चीज़ शॉप्स होती हैं, एक ही कंपनी के काफ़ी सारे रिटेल स्टोर अलग अलग प्लेसेस पर अवेलेबल होना, ठीक है। सो इन शॉप्स को हम अपने चेन स्टोर्स में मानते हैं। मेल ऑर्डर बिजनेस क्या होता है, जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं बेटा, सो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर ब्रीफली जो आपकी बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। जस्ट आपको एक क्या करना होता है, अपना ऑर्डर मेल, अपना ऑर्डर देना होता है। ऑर्डर देने के बाद जस्ट आपका जो मेल है आपके पास आ जाएगा कि आपका ऑर्डर बुक हो गया है, देन जो जस्ट थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जस्ट वो कंप्लीट करते हैं और जो आपका ऑर्डर है वो आपको रिसीव हो जाता है।
अब आता है बेटा कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर के अंदर क्या होता है, जो कि खुद कंज्यूमर के द्वारा ही बनाया जाता है। सो कंज्यूमर का द्वारा ही बनाया जाता है मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन हुज एम इज टू इकोनोमाइज बाय बाइंग इन कॉमन एंड टू रिटेन देयर प्रॉफिट बाय सेलिंग इन कॉमन। यानी कि इन्होंने क्या किया है, कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोगों ने मिलकर अपना एक क्या किया है, स्टोर खोला है, जिनका मुख्य उद्देश्य है बेटा कि अपने इकोनोमाइज, अपने जो गुड्स और सेलिंग जो एक्टिविटी, ट्रेडिंग एक्टिविटी करने वाले हैं, उन ट्रेडिंग एक्टिविटी के ऊपर क्या किया जाए, बेनिफिट लिया जाए, उसका फ़ायदा जो है प्रॉफिट अर्न किया जाए। सो ये मेनली ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा ही किया जाता है। क्यों, तभी तो इसका नाम कोऑपरेटिव, यानी कि सभी ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलकर जब एक क्या कर रहे हैं, स्टोर चलाते हैं। नेक्स्ट है बेटा ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन क्या है कि इसके अंदर आप जस्ट कॉइन डालेंगे, जो कि आपने एयरपोर्ट वगैरह पे भी काफी जगह देखा होगा, मेट्रोपॉलिटन एरियाज में भी, ये सिटीज में काफी ज्यादा फेमस है कि अगर आपको मान लो अ कप ऑफ कॉफी चाहिए, जस्ट आपने क्या करना है, कॉइन डालना है और नीचे जो है आपके कॉफी का एक कप बनकर तैयार होके आ जाएगा। सो इसी तरीके से आप बड़े शहरों में जाएंगे तो दूध, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, वाटर, स्नैक्स, सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बेटा जो आपकी यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। इसी के साथ साथ बात आ रही है एडवांटेजेस की, एडवांटेजेस की बात करें तो जो आपकी सेल्स है बेटा वो काफी किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हैं, सो ऑनलाइन ऑर्डर आप कभी भी किसी टाइम पे दे सकते हैं, सेल्समैन की उस टाइम पे कोई ज़रूरत नहीं होती, आप कितने वेट में, कितनी क्वालिटी में उसको ले रहे हैं, किस तरह का गुड्स है, क्वालिटी के साथ साथ आपको किसी चोरी होने का या फिर गुड्स के खराब होने का भी कोई खतरा नहीं रहता। अगर आप इसके लिमिटेशन की बात करते हैं बेटा, थोड़ी इसकी जो प्रोसेस होती है वो कॉस्टली रहती है, जो इसका मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो भी थोड़ा सा हमारा पॉकेट पे ज़्यादा हैवी रहता है, और यूजफुल टू सेल्स ओनली फ्यू आइटम्स, और इसके अंदर हम केवल फ्यू आइटम्स ही जो है सोल्ड आउट कर सकते हैं। सो बेटा ये था आज का हमारा इंटरनल ट्रेड का टॉपिक, आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर होंगे। स्टिल डाउट रहता है, आप इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे